So hello friends, welcome back to my new vlog. This is Adnan and you are watching B24. दोस्तों अगर आप सबको नहीं मालूम हो तो अभी मैं जा रहा हूँ आप सबको बताने कि मैं यहाँ इतने सूट मूड में यहाँ इतने अच्छे से सीनरी पे क्यों हूँ। तो द आंसर इज मैं यहाँ पे आया हूँ अपने रैप को शूट करने। तो अभी मैं कर रहा था अपने रैप को शूट, तो अभी मैं जा रहा हूँ किसी और प्लेस पे, जैसे कि इसे यहीं पे कहीं और जगह पे। तो मुझे लगा कि ये प्लेस ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेटर होगा, तो इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी वहाँ से हम लेंगे दो तीन शूट, दो तीन सीन। तो अभी चलो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये है कुछ सीन, यहाँ पे एक कुतुब मीनार छोटा सा। फ्रेंड्स ये जो सीन आप सब देख रहे हो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और यहाँ से भी मैंने अपने रैप का एक दो सीन शूट किया है, तो आप सब जाकर देख सकते हैं वो भी। तो अमार के इस बच्चे वाले हरकत की वजह से हम अपने शूटिंग को पॉज करके यहाँ इसे खेल, जिसमें सही में मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है। फाइनली हमारा काम हो गया खत्म, यानी मेरा रैप हो गया है शूट। अब बस हमें एक वापस घर जाना है। तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और हम सुबह को आए तो ये और भी ब्यूटीफुल लगने लगा। तो मेरा जो रैप है वो मैं एक चैनल पे अपलोड करता हूँ, मेरे चैनल पे, जिसका नाम ड्रेडेड है। तो अगर आप सबको मेरे रैप, अगर आप सबको रैप्स में इंटरेस्ट है तो आप सब मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा चैनल है। तो मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे रैप्स अपलोड करता हूँ। तो ये था मेरा ये शूटिंग। तो अब बस हमें घर जाना है, और ये जो एरिया है, ये एरिया पूरे एरिया जहाँ पे हम शूट करना है, इस एरिया को कहते हैं चिमनी, चिमनी वाले एरिया। यानी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चिमनी है, मैं आप सबको वो भी जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यही है वो चिमनी जो अभी आपके सामने है, और ये चिमनी यहाँ के मन पे है, और मन बहुत ही ज़्यादा दूर है हमारे घर से। तो उस रैप में अमार भी था जिसने लिप सिंक किया, गमखारी बातें सारी छोड़ दी हमने। अरे बस बस अब तुमने बस यही रैप सुना दिया तो लोग सब मेरे चैनल पे कैसे जाएंगे। नाम है ड्रेड, ड्रेड पे जाके देख सकते हो आप। और फ्रेंड्स अभी क्योंकि बहुत ही ज्यादा तेजी से धूप निकल रही तो इसलिए आई एम डूइंग दिस। और जैसे ही मैं घर पहुंचा तभी मुझे मालूम चला ये। तो दोस्तों आज हम जाएंगे मोतिहारी, मोतिहारी में हमें कुछ काम है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए अभी मुझे जल्दी जाना होगा। के बाद हम आ गए यहाँ के एक लौटे बस स्टैंड पे। तो यहाँ से एक बस लेके हम जाएंगे मोतिहारी, और सिर्फ मोतिहारी नहीं हम बहुत जगह जा सकते हैं यहाँ से, जैसे घोड़ा सहान चिरैया, पर अभी फिलहाल मुझे जाना है मोतिहारी। और गाइस क्योंकि आज के लिए इलेक्शन चल रहा है तो इसीलिए बहुत सारे बस को हायर कर लिया गया है एड्स करवाने के लिए। तो बहुत देर वेट करने के बाद हमें फाइनली एक बस में ली गई जो मोतिहारी जाएगी। वो कितना भीड़ है, कैसे चढ़ी आई? क्या मैं जो देख रहा हूँ वो आप ही देख रहे हो? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। फ्रेंड्स इस बस में इतनी भीड़ है, 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 अरे बस कर, इतनी भीड़ है कि गर्मी तो गर्मी, ऊपर से हम खड़े खड़े जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली वी आर पासिंग फ्रॉम बकिया रिवर। और फ्रेंड्स आप सब बिलीव नहीं करोगे कि ये रिवर गढ़िया से लेके नेपाल तक जाती है, और गढ़िया इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अब हो गया ना शौक, यहाँ पे यानी भुट्टो को हार्वेस्ट किया जा रहा है। फ्रेंड्स कुछ भी कहो, अभी तक ना मेरा ये जर्नी बहुत ही ज्यादा बोरिंग चल रहा है, उतरने में भी उतना ही भीड़ है जितना चढ़ने में था फ्रेंड्स। और ये है हमारा मोतिहारी फ्रेंड्स, ये देखो। और अब आप बताओ ये ऑटो यहाँ पे क्यों लगे हैं?
रानी यहाँ मोतिहारी में क्या कर रहे हैं? तो सुनो, मेरे एक रिलेटिव का तबीयत खराब हो गया है, तो इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ मोतिहारी में रहमानी डॉक्टर के पास, जिसका हॉस्पिटल आपके आंखों के सामने है। तो जैसे न तैसे करके हम पहुँच ही गए यहाँ इस हॉस्पिटल में, और मैं भी नया हूँ, पहली बार जा रहा हूँ इस हॉस्पिटल में। सबसे पहले लेट अस गिव द मनी टू दैट ऑटो ड्राइवर। तो अभी मैं कर रहा हूँ इस रोड क्रॉस, और मेरी तरफ से आप सबके लिए एक कॉशन है कि प्लीज जब भी आप रोड क्रॉस करते हो तो प्लीज ध्यान से करो, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही करने की वजह से देश में लाखों लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से। वाओ गाइस, अंदर से कुछ ऐसा है क्या ये हॉस्पिटल? क्या लगा मैं ये कहूँगा जी, माने कि मैं पहली बार आया हूँ इस हॉस्पिटल में, तो ये थोड़ी है कि ये सबसे अलग है ये हॉस्पिटल, सबकी तरह ये नॉर्मल है। तो जब मैं यहाँ आ गया तो क्यों ना आप सबको ये हॉस्पिटल अच्छे से दिखाया जाए, क्यों अच्छा प्लान है ना। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से, पर ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये है क्या भाई, लेकिन सामने गेट है, यानी ये दूसरा एग्जिट एरिया भी हो सकता है, और इसके बगल में ही है एक छोटा सा पार्क। ओ वाओ, हाँ इसमें मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये सही में ये चौंकने वाली बात है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में ही ये छोटा सा एक मस्जिद है, और इसके बाहर का एरिया कुछ ऐसा, यानी ये है वजू खाना, यानी वजू बनाने वाला एरिया। So friends, right now I'm shooting that scene without my gimbal, क्योंकि जब मैं अपने गिम्बल के साथ इस हॉस्पिटल में अपने व्लॉग्स को शूट करता हूँ, तब लोग मेरे गिम्बल को देख के समझ जाते कि मैं किसी वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो मुझे मना कर देते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसीलिए वो ये लोग मुझे मना कर देते हैं। पर कोई बात नहीं, चुरी छुपे मैंने अपने बहुत सारे सीन को शूट कर लिया है, और क्योंकि मैं अपने गाँव से बहुत दूर आया हूँ, यानी यहाँ मोतिहारी में, तो विदाउट ऑफ माई व्लॉग आई कांट गो बैक। फ्रेंड्स, एक जगह पे बैठ के किसी चीज़ को घंटों तक देखना इज वेरी बोरिंग थिंग अकॉर्डिंग टू मी, और अभी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आई कैन फील इट। तो फ्रेंड्स, बैठे बैठे मैं हो रहा था उस हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा बोर, इसीलिए मामू मुझे ले आई यहाँ पे। तो लिट्टी खाने के बाद हम आ गए यहाँ मेवाड़ वाले स्टॉल पे मेवाड़ पीने। फ्रेंड्स, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप सबको फालूदा और मेवाड़ में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? जो भी अच्छा लगता हो वो प्लीज कमेंट में बता दो। फ्रेंड्स, मुझे ना मेवाड़ सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसे पीने का मजा ही कुछ और है। फ्रेंड्स, सुबह से शाम हो गई, मेवाड़ के सामने लिट्टी बदनाम हो गई, लेकिन साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन सच में फ्रेंड्स, किसी भी हॉस्पिटल में वेट करना बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, और ये मैं स्वयं अपने आप पे एक एक्सपेरिमेंट करके बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, क्यों ना मेरी जान ही चली जाए, लेकिन अगर मैं इस हॉस्पिटल में दोबारा आंख भी उठा के देखूंगा, तब सच में फ्रेंड्स मैं अपना नाम बदल कर ही रहूंगा। ओफो, मोदी जी भी यूट्यूबर बन गए क्या जी, अपने थंबनेल के लिए ऐसा पोज दे रहे हैं? तो इस पोस्टर को देखने के बाद आई जस्ट वांट टू टेल मोदी जी, सो फ्रेंड्स फाइनली अब वर्कअप कंप्लीटेड, और रातों के पर कोई बात नहीं, अब चलो चलते सीधा घर। कल रात मैं अपने घर वापस आया तब बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो इसीलिए मैं सो गया, तो उस वक्त मैं ऑर्डर नहीं दे पाया था, पर कोई बात नहीं। ये लो, इफ यू लाइक दैट व्लॉग सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस नोटिफिकेशन आइकन दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। सो दैट वॉज माई व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।